तो मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से और उसके बगल में ही किसी औरत की लाश पड़ी हुई होती है, जिसे वह इग्नोर करते हुए आईने के पास जाती है, जहां उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में कट का एक गहरा निशान है। वह उस लाश को पैक कर एक फार्म में ले जाकर जला देती है और एमिली के नाम की प्रैक्टिस करने लगती है। दरअसल जिस बॉडी को उसने जलाया था वह एमिली की होती है और वह इंसान कोई और है जिसने एमिली का रूप लेकर अपने आप को सरवाइव कर रहा था। वह शरीर चेंज करने के साथ ही सामने वाले की पर्सनालिटी और यादें ऑब्जर्व कर लेता था, लेकिन वह कौन है यह हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। तो कहानी आगे बढ़ती है और यह एमिली बनकर उसके घर जाता है, जहां एमिली अपने पति जेम्स के साथ रहती थी। जेम्स एमिली से कहता है कि तुम इतने दिनों से कहां थी, तुम्हें लापता होने की खबर मैंने पुलिस को दी है, और वह एमिली के आने की खबर देने के लिए पुलिस को कॉल करता है। एमिली उसे कॉल करने से मना करते हुए उसे मार डालती है और उसकी लाश को पैक करके एक कोने में रख लेती है। उसे अपने शरीर में कट का निशान काफ़ी दर्द दे रहा था, उसे अब दूसरे शरीर की आवश्यकता थी। तभी इंस्पेक्टर रेंसन वहां आ जाता है, जो उसके और उसके पति जेम्स के बारे में पूछताछ करने लगता है। तभी एमिली रेंसन का हाथ पकड़ लेती है और इस बार वह रेंसन का रूप ले लेता है और वह रेंसन की बॉडी को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। शाम को वह एक आदमी से ड्रग्स छीन लेता है, क्योंकि ड्रग्स के डोज से शरीर और दिमाग की रफ्तार धीमी हो जाती है और उसे बॉडी चेंज करने का और भी ज़्यादा समय मिल जाता है। उसके बाद वह अपने पुराने क्लब में जाता है, जहां वह अक्सर जाते रहता था। वहां उसकी मुलाकात जूलिया से होती है और वह उससे बातें करने लगता है। जूलिया से मिलकर उसे एहसास होता है कि वह उसे प्यार करने लगा है। वे काफ़ी देर तक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। तभी रेंसन की बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है और वह जूलिया को वहां से चले जाने के लिए कहता है। एक्चुअली अब उसकी बॉडी चेंज करने का समय आ गया था। वह अपनी आईडी दिखाकर डॉक्टर रिचर्डसन के कार में बैठ जाता है, जहां उसका शरीर गलना स्टार्ट हो जाता है और वह डॉक्टर रिचर्डसन को मारकर उसका रूप ले लेता है। फिर वह डॉक्टर रिचर्डसन बनकर उसके घर जाता है और वहीं आराम करने लगता है। सुबह वह अपनी बीवी और बच्चों से मिलकर डेंटल क्लिनिक के लिए निकल जाता है, जहां वह अपनी सेक्रेटरी रिचेल से मिलता है और अपने काम में लग जाता है। वह लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वह देखता है कि जूलिया कहीं जा रही होती है। वह जूलिया का पीछा करता है, लेकिन जूलिया वहां से कहीं निकल जाती है। उस इंसान ने बचपन में ही अपनी माँ को मार दिया था, जिसके लिए वह काफ़ी गिल्टी महसूस करता है। वह टाइम स्पेंड करने के लिए क्लब में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से जूलिया से होती है। जूलिया उसे कहती है कि उसने पिछली बार उसे किसी लड़की के साथ देखा था, क्या वह तुम्हारी पत्नी है। रिचर्डसन उसे बताता है कि वह उसकी सेक्रेटरी रिचेल है और फिलहाल वह अपनी पत्नी मैरी से झगड़ा करके आया है। और इसी तरह जूलिया भी उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है कि उसका बेटा किसी बीमारी से मर चुका है और अपने पति से उसकी खटपट चल रही है। इसके बाद रिचर्डसन बिल पे करके किसी होटल में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसका शरीर फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। वह सेक्रेटरी रिचेल को कॉल करके वहां आने को कहता है। जब रिचेल वहां आती है तो वह उसे मारकर रिचेल का ही रूप ले लेता है। तभी रिचेल के पास उसके बॉयफ्रेंड टॉम का कॉल आता है। वह उससे बहाना करती है कि उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसलिए वह दवाई लेने के लिए बाहर आई है। अगली सुबह फिर से वह एक फार्म में जाती है, जहाँ वह डॉक्टर रिचर्डसन की बॉडी एक गोडाउन के अंदर आग लगा देती है। तभी एक पड़ोस की औरत वहां आ जाती है, जिसे आता देख वह वहां से भाग जाती है। शाम को रिचेल तैयार होकर उसी क्लब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। जूलिया उसे कहती है कि उसने पहले भी उसे बूढ़े रिचर्डसन के साथ देखा था, वे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक दूसरा आदमी वहां आ जाता है और जूलिया वहां से उठकर अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के पास चली जाती है, जो उसका पहले से इंतजार कर रहा था। रिचेल उस लड़के की बातों को इग्नोर करते हुए जूलिया को ही देखते रहता है। तभी टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि फार्म में किसी की लाश मिली है और उसमें रिचेल का स्केच दिखाया जाता है, जिसे फार्म की उस औरत ने ही बनवाया था। न्यूज़ देखकर जूलिया उस लड़के के साथ उसके घर चली जाती है और ड्रग्स लेने लगती है। थोड़ी देर बाद वह लड़का रिचेल से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर वह उस लड़के पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। वह उसके घर से उसका कुछ सामान पैक कर वहां से जाने लगती है।
तभी पड़ोस की आंटी रिचेल से कहती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है क्योंकि उसने उसके घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। उसकी बात सुनकर वह पुलिस वालों से बचकर एक जगह छुप जाती है और वहीं रात बिताने लगती है। वह सुबह देखती है कि उसकी बॉडी गलना शुरू हो चुकी है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड टॉम वहां आ जाता है और वह उसे मारकर वहां से भागकर छुप जाती है। आगे वह देखती है कि जूलिया अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के साथ कहीं जा रही है और वह उनका पीछा करने लगती है। वह बाद में रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके घर तक चली जाती है और उसे मारकर उसका रूप ले लेती है। फिर वह जूलिया को कॉल करके अपने घर बुलाता है। वे दोनों साथ में शराब पीते हैं और एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। सुबह जूलिया के वहां से जाने के बाद वह असली रॉबर्ट की लाश को टुकड़े कर पास कहीं नाले में फेंक आता है। न्यूज़ में देखती है कि रॉबर्ट के घर के पास ही कुछ लोगों की लाश मिली है जिसमें रिचेल की बॉडी भी शामिल है। रॉबर्ट टीवी बंद कर उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। वे शाम को पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट की तबीयत बिगड़ जाती है। फाइनली रॉबर्ट को एहसास होता है कि वह जूलिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वह फाइनली जूलिया को अपनी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह जूलिया से कहता है कि जब वह छोटा था तब उसकी माँ उसी के कारण मारी गई, लेकिन उसे वह बहुत प्यार करता था। वह लोगों को मारता है जिसकी वजह से ही वह सर्वाइव कर पाता है और लोगों को मारने पर उसकी सारी यादें और पर्सनालिटी उसमें आ जाती है। जूलिया को लगता है कि वह अननॉर्मल है, इसलिए वह बकवास कर रहा है। फिर जूलिया वहाँ से जाने लगती है। तभी रॉबर्ट जूलिया से कहता है कि वह उससे उसी तरह प्यार करता है जिस तरह उसका पति करता। वह रिचर्डसन के बारे में बहुत सारी पर्सनल बातें उससे कहता है। जूलिया शॉक में आ जाती है कि उसे रिचर्डसन की बातें कैसे पता चली। फिर अंत में रॉबर्ट उसे बताता है रिचर्ड को उसी ने मारा है। जूलिया सच्चाई जानकर उस पर हमला कर देती है। तभी रॉबर्ट रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जूलिया का शरीर गलने लगता है और वह खुद ही जूलिया में बदल जाता है। अब अंत में वह जूलिया के रूप में खुद को कोसते हुए रोने लगता है। उसके बाद वह दूसरे शरीर में जाने की बजाय खुद ही गलकर मरने की कोशिश करता है। उसका शरीर एक कोकून में बदल जाता है जिसके अंदर से एक असली इंसान बाहर निकलता है जिसका नाम था ड्रू। अब ड्रू काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह क्यों नहीं मरा उसका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला। वह अपने किए गए अपराध के साथ जिंदगी जीने लगता है और अपनी मौत का इंतजार करता है। और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।